तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नकवी। और ये हम लोगों ने लारावेल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हम लोग लारावेल के ऊपर पढ़े हैं, बेसिक्स से पढ़े हैं। और इससे पहले वाली क्लास जो थी कंट्रोलर की क्लास थी, और आज मैं ले आया हूँ लारावेल व्यू की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं लारावेल व्यू की क्लास में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि हम लोग व्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम लोग व्यू के अंदर डाटा कैसे कॉल कर सकते हैं या पास कर सकते हैं, और उसके अलावा हम राउटर के अंदर कैसे व्यू को यूज़ करेंगे, मतलब कि हम उसका राउट कैसे डिफ़ाइन करते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि कंट्रोलर से हम लोग कैसे व्यू को कॉल करवाते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर आपको स्टार्ट करवाता हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले तो आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है VS कोड में। तो मैं सिंपल इसे कोड में ओपन कर रहा हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। और इसको थोड़ा सा मैं ज़ूम कर दूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। तो आई होप कि ज़ूम काफ़ी हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने व्यू को पढ़ना है। तो व्यू होता कहाँ पे है, अगर आपने MVC को पढ़ा हुआ मॉडल व्यू कंट्रोलर को, तो आपको आइडिया होगा। तो व्यू वो हिस्सा होता है जहाँ पे हमारी HTML की कोडिंग होती है। लाइक आपने फॉर्म देखे होंगे या आपने पेजेस, जो वेब पेजेस का पार्ट होता है, जो आपका डिस्प्ले हो रहा होता है, वो व्यू होता है। और हम HTML की कोडिंग व्यू में करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि व्यू होता कहाँ पे है। व्यू होता है कि आपका जो रिसोर्स का फोल्डर है, इसके अंदर रिसोर्सेज के फोल्डर में व्यूज़ का एक फोल्डर होता है, और यहाँ पे आप व्यू क्रिएट करते हो। जिस तरह से यहाँ पे व्यू पहले ही क्रिएट हुआ हुआ वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो अब ये ब्लेड डॉट PHP क्या, ब्लेड एक तरह का टेम्पलेट इंजन है जो यूज़ होता है आप लोगों की HTML, जिस पे हम लोग यूज़ करते हैं और वो ईजिली रेंडर कर देता है। तो अभी इतना डिटेल में ब्लेड को जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम लोग इतना डिटेल में जानेंगे। बस आप ये रखेंगे ये टेम्पलेट इंजन है, और फिलहाल हम लोग आज के टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है, एक व्यू क्रिएट करता हूँ, होम डॉट ब्लेड डॉट PHP। आपने ब्लेड डॉट PHP लाजमी रखना है लारावेल में। ब्लेड डॉट PHP व्यूज़ के लिए एक्सटेंशन है जो यूज़ होती है, तो आपने इसको लाजमी यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ, H1, और यहाँ लिखता हूँ IAM View, सही है। और यहाँ पे एक पैराग्राफ, क्योंकि सारी HTML है, मैं यहाँ पैराग्राफ दे देता हूँ, वेलकम टू कोड विद नकवी, सॉरी कोड विद नकवी, राइट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि IAM View और वेलकम टू कोड विद नकवी। और अब मैं अपने इसे प्रोजेक्ट को चलाता हूँ, तो प्रोजेक्ट चलाने का वही कमांड PHP artisan serve, और मैं इसे यूज़ करता हूँ। और ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये चल पड़ा है। तो मैंने इसे ओपन कर लिया ब्राउज़र में, क्लिक कर कंट्रोल प्लस क्लिक करके, तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे जो वेलकम पार्ट था, जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP था, वो हमें नज़र आएगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास जो व्यू नज़र आ रहा है, नज़र आने वाला है, वो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP ये वाला व्यू, राइट। तो इसके व्यू को हम लोग देख रहे हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये वेलकम डॉट PHP वाला। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने होम डॉट ब्लेड वाला बनाया ना, ये वाला डिस्प्ले हो। तो उसके लिए आपने जाना है web.php में। तो web.php में कैसे जाना है, ये routes के फोल्डर में होता है web.php, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम, ये डिफ़ॉल्ट राउट बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं होम लिख दूँ और सेव करूँ, तो अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा होम कंट्रोलर वाला राउट है, ये चल रहा है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं इसका डिफरेंट राउट बनाऊँ, तो वो भी आसान है। इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और ये मैं नीचे से टर्मिनल विंडो बंद कर दूँ फ़िलहाल के लिए, और ये मैंने लिखा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, और यहाँ पे भी लिखता हूँ होम, सही है। कि जब मैं स्लैश के आगे होम लिखूँ, तो वो होम का व्यू रिटर्न करे। लाइक अगर मैं अब इसे रीलोड करूँ, तो अब यहाँ पे लारावेल का जो व्यू है, वो हमें वेलकम का जो व्यू है वो नज़र आएगा, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे स्लैश डाल के होम,
तो आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे होम वाला व्यू नज़र आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग अब इसमें डेटा कैसे पास कर सकते हैं? तो डेटा पास करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करना है? डेटा पास करने के लिए हम लोगों ने यूज़ करना है यहाँ पे एक पैरामीटर यूज़ करना है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेम, एंड यहाँ पे एक पैरामीटर आप लोगों ने ले लेना है नेम, और उसके अलावा आपने यहाँ पे लेना है पैरामीटर व्यू के बाद आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे आप लोग कोमा दें और यहाँ पे की बना लेते हैं। तो की वाला मेथड सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और कोमा दे के, और आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी ये की इसकी बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर नेम। तो यहाँ पे मैंने डॉलर नेम जो लिख दिया हुआ है वो यहाँ पे यूज़ होगा इसका जो पैरामीटर है एज ए, ये जो पैरामीटर है ये एज ए की यहाँ पे यूज़ होगा। तो अब अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने कोई ऐसा राउट ही नहीं बनाया कि जिसमें खाली होम पे सर्च किया जाए। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे नाम कोई पास करता हूँ, जिस तरह मैं लिखता हूँ नकवी, तो मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये हमें व्यू पे ले गया, लेकिन ये नाम डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इसको कैसे डिस्प्ले करवाना है? इसके लिए आपने सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं यहाँ पे एक H2 का टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर नेम लिखता हूँ, और सॉरी यहाँ पे योर नेम लिखता है मैंने, और योर नेम लिख के मैं यहाँ पे डॉलर ये आपने ब्लेड सिंटैक्स है, आप डबल जो कर्ली ब्रेसिस हैं आप अगर वो यूज़ करें तो ये ब्लेड सिंटैक्स बन जाता है। तो यहाँ पे डॉलर नेम लिखता हूँ और मैं यहाँ पे HR टैग के ज़रिए हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले लेता हूँ। और अब इसे अगर मैं रिलोड करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे योर नेम नकवी। मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली लिख देता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे अली आ गया। मैं यहाँ पे जो भी नाम चेंज करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो ये है हमारे पास कि हम लोग राउटर से वेब डॉट पी राउट के अंदर कैसे हम लोग डाटा पास करें। अच्छा, हम लोगों ने एक और चीज़ कहा था कि हम लोग इसको कंट्रोलर के ज़रिए भी करेंगे। तो कंट्रोलर के लिए करने के लिए जिस तरह से मैंने लास्ट पे बताया था, लास्ट वाली क्लास में, कि कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं, तो मुझे इसके लिए कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोलर अब कौन सा बनाना है, होम कंट्रोलर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ होम कंट्रोलर मुझे चाहिए, और इसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये होम कंट्रोलर क्रिएट कर रहा है। और ये कहाँ पे बना? ऐप के फोल्डर में जाएं, HTTP के फोल्डर में जाएं और कंट्रोलर के फोल्डर में जाएं, तो यहाँ पे आपको होम कंट्रोलर नज़र आ रहा होगा, सही है? तो ये मैंने कंट्रोलर के बारे में, मैंने इससे जो लास्ट वाली क्लास है उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है, आप लाजमी वो वीडियो देख लेंगे अगर आपने नहीं देखी हुई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे हम लोग इसे क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले नेम, सही है, ये मैं इसका नाम रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि विदाउट, अगर मैं सिर्फ राउट ही उसे व्यू को ही डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न व्यू, सॉरी रिटर्न के स्पेलिंग गलत हो गया, रिटर्न व्यू, और व्यू मैंने कौन सा रिटर्न करवाना है यहाँ पे होम का, सही है? तो ये मैंने ऐसे इसे एंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे इसका राउट भी बनाना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है। तो राउट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट, और सॉरी ये मैं इसे टर्मिनल को बंद कर दूँ, तो राउट गेट, और यहाँ पे मुझे अब इसका राउट बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, और उसके अलावा यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस ये वाली लूँगा ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा होम कंट्रोलर। अच्छा, ये मेरे पास इंटेलिजेंस भी आ रही है, और अगर मैंने ये होम कंट्रोलर यूज़ किया तो यू कैन सी यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर रहा है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं इसके लिए एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, तो दो एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ जो ऑटोमेटिकली इंक्लूड करवा देती हैं। काफ़ी सारे लोग जब स्टार्टिंग में इसे करते हैं तो उनका यहाँ पे बहुत मसला आता है कि वो यहाँ पे तो कॉल कर देते हैं लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं कर पाते, तो मैं इसके लिए एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। मैंने पिछली क्लास में बताई थी कौन सी एक्सटेंशन है, तो आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे होम कंट्रोलर क्लास, और यहाँ पे जो मैंने मेथड कंट्रोल कर कॉल करना है वह है डिस्प्ले नेम, सही है? अभी मैं इसमें कोई पैरामीटर नहीं दे रहा, तो आप देख सकते हैं कोई पैरामीटर नहीं दिया। तो अब मैं जब भी
इस तरह से अब मैं जब भी होम इसको हटा के कॉल करूँगा तो वो डिस्प्ले करवा देगा होम को, और यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा है नेम का, क्योंकि हमने उसे नेम व्यू में कॉल किया हुआ ब्लेड डॉट पी एच पी में यहाँ पे, तो ये एरर इसका आ रहा है। फिलहाल मैं इसे कमेंट करता हूँ और अब इसे मैं रीलोड करता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे वेलकम टू कोड विद नकवी आ रहा है। तो अब हम लोग इसके अंदर कंट्रोलर से नाम कैसे पास करें, सिंपल आपने यहाँ पे पैरामीटर देना है नेम, और आपने यहाँ पे वही तरीका जो हम लोगों ने व्यू में यूज़ किया था कि यहाँ पे की बना लेनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और की बना लेता हूँ इसकी डॉलर नेम, सही है। और अब मैं इसे वेब डॉट पी एच पी में लेके जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे, हाँ तो इसे मैं अनकमेंट करता हूँ और सेव करता हूँ और इसे हम लोग रन करते हैं। तो अब यहाँ पे वो पैरामीटर का आएगा, तो यहाँ पे ज़ाहरी बात है पैरामीटर देना पड़ेगा अली, तो यहाँ पे वो चलेगा। अच्छा एक चीज़ के मैंने ये वेब इसका राउट बंद ही नहीं किया, तो अब वो दोनों में से कोई भी राउट चला रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे ऑफ़ कर रहा हूँ और अब इसे मैं यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अली नहीं आया, फाउंड नहीं हुआ, तो हाँ अब ये फाउंड नहीं हुआ। क्यों नहीं फाउंड हुआ, क्योंकि मैंने ये जो राउट में नहीं बताया इसका, तो ये छोटे छोटे एरर आएंगे, आपने परेशान नहीं होना। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नेम, तो अब हम लोगों ने इसे यहाँ से बता दें कि हम लोग साथ नेम भी भेजेंगे। तो अब मैं जैसे ही इसे कॉल करूँगा तो ये राउट अपने यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग में आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नकवी, सही है। तो अब जो भी नाम चेंज करूँगा वो यहाँ पे होता रहेगा। तो ये थी व्यू की बेसिक क्लास, बेसिक थी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की, तो आप भी लाजमी इसको, क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से आती है, तो लाजमी इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे से ट्राई करें। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आपने मॉडल कंट्रोलर पढ़ लिया और व्यू का पढ़ लिया, तो अब आपने ये पढ़ना है कि मॉडल क्यों यूज़ होते हैं। ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं कि एक मॉडल इस वजह से यूज़ होते हैं, क्योंकि हम लोग अभी एमवीसी को कवर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल बहुत जल्द आएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट पे कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की जो शेयरिंग है वो मेरे लिए मोटिवेशन है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये कंटेंट आगे जाएगा लोगों तक, और उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होकर काम करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।